जी हमारे साथ इस वक्त मियां सोहेब आलम साहब हैं। जी हमारे साथ मियां सोहेब आलम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लतीफ साहब क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे प्रोग्राम में लतीफ़ रहमानी साहब हैं, नफ्सियात के मौजू पे हम बात कर रहे हैं, तो सर क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं आपका प्रोग्राम 10-15 मिनट से सुन रहा था। जी जी। तो बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। तो जिस तरह ये माहरे नफ्सियात है, मेरा ख्याल है आजकल जितनी ये वबाएं टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितनी ये एडिक्शन बच्चों को हो चुकी है, खासतौर पर पबजी के हवाले से या मुख्तलिफ गेम्स के हवाले से जो बच्चों को एडिक्शन हो चुकी है, जी जी, इस हवाले से मेरा तो ख्याल है कि वालदैन को भी माहरे नफ्सियात होना चाहिए। क्या बात है, जबरदस्त। क्योंकि अगर घर का माहौल देखते हैं तो बच्चे गेम्स खेल खेल के इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो मारने मारने पर तुले हुए होते हैं, वो वालदैन से बदतमीजी करते हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि बीइंग ए टीचर, बीइंग ए हेड, बहुत सारी कंप्लेंट्स पेरेंट्स की यही आती है कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा बदतमीज है। जी जी। वो बदतमीजी से बाद में होता है कि जब वो बच्चे सारा सारा दिन सर झुका के गेम्स पर लगे रहते हैं तो उनका नफ्सियाती मसला ऑटोमेटिकली बन जाता है। जी। तो मेरे तमाम वालदैन जो सुन रहे हैं, लतीफ भाई से ज्यादा अच्छी हमारी रहमानी साहब ज्यादा अच्छे तरीके से हमारी रहनुमाई फरमा सकते हैं, तो काइंडली खुदा के लिए अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। जी। और बच्चों से ज्यादा जो बच्चों के वालदैन हैं वो भी मोबाइल से दूर रहें ताकि प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों को टाइम दे सकें। जी जी, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। शुक्रिया जनाब। मियां सोहेब आलम साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर थे। सर क्या कहना चाहेंगे सोहेब भाई की इस हवाले से? सर सोहेब साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल एक, वो कहते हैं ना कि 100% दुरुस्त है। आजकल के दौर में, मोबाइल के ज़माने में और गेम्स के ज़माने में, ये जो मसले हैं आजकल ख़ास तौर पे, इस पर बहुत सारी रिसर्चेज़ हो रही हैं कि ये जो गेम्स हो गई हैं, मोबाइल हो गया, किस तरह से नफ्सियात पर असरअंदाज हो रहा है और इससे कौन कौन से मसाइल, मतलब के नए नए मसाइल सर उठा रहे हैं। तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है। जब एक बच्चा सर बहुत सारा टाइम गुजारता है ना गेम खेलते हुए, इसके सर इसके दो एंगल हैं, दो एंगल से मैं बात करूंगा। एक तो सर जब मोबाइल यूज़ का स्क्रीन का इस्तेमाल होता है ना, तो वो नफ्सियाती तौर पर सर उस पर बुरा असर डालता है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, बच्चे का सर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद बच्चा इरिटेट रहना शुरू कर देगा, बच्चा उदास रहना शुरू कर देगा, जो उसको डिप्रेशन की तरफ भी लेके जाता है। ज़्यादा आपको बिहेवियर बच्चों में देखने का मिलेगा कि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। एक तो पहलू इसका ये। दूसरा पहलू सर जो है ना, जब वो पबजी टाइप कोई गेम खेलते हैं ना सर, जिस तरह की वो गेम खेलते हैं उनका बिहेवियर भी उस तरह का होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक वाकया हुआ था कि वो पबजी की तर्ज पे ना उसने कत्लेआम किया था, एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वाकया हुआ था। पबजी की बिल्कुल पबजी की तरह ना उसने सारी रिकॉर्डिंग की थी और फायरिंग वगैरह भी की थी। तो बच्चे जब सर इस तरह का बिहेवियर देखते हैं ना, तो उनका जो बिहेवियर भी, जो रवैया इसी तरह का बनना शुरू हो जाता है, उनकी नफ्सियात इसी तरह की बननी शुरू हो जाती हैं। अब बात आ जाती है कि इनसे किस तरह से बचा जाए। मेरे ख्याल में सर इससे बचने का एक ही तरीका है, बच्चों को ज़बरदस्ती रोकेंगे तो सर वो नहीं रोकेंगे। ज़बरदस्ती रोकना मेरे ख्याल में कोई इसका हल नहीं है। मेरे ख्याल में लतीफ साहब एक सवाल इसी का मैं हिस्सा बनाऊंगा ताकि इकट्ठा ही जवाब हो जाए। ये आमना मुनीर है हमारे साथ, उन्होंने सवाल किया कि सर जो नफ्सियाती मसाइल होते हैं इनका शिकार ज़्यादातर कौन से लोग होते हैं? जी सर ये भी सवाल बड़ा अच्छा है और बुनियादी सवाल है। ये मैं जो पबजी वाली बात है वो कंप्लीट कर देता हूँ कि अगर सर आपने बच्चों को इससे दूर मसाइल से बचाना है ना, स्क्रीन की वजह से, गेम्स की वजह से, तो मेरे ख्याल में अगर उनकी हम तरजीहात चेंज कर देना, तरजीहात का मतलब कि उनको किसी और काम में लगा दिया जाए। अब उनको अगर वो गेम्स खेलते हैं इसका मतलब उनके पास टाइम है फालतू, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है। अगर हम उनका जो टाइम उनके पास एक्स्ट्रा होता है उसको यूटिलाइज़ करना शुरू कर दें एक पॉजिटिव वे में, या उनको किसी गेम में लगा दिया जाए, या उनको पार्ट टाइम किसी जॉब पे लगा दिया जाए, या उनको अपने साथ काम में रख लिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन हल होगा इस चीज़ का। अब आ जाते हैं इसकी इनके सवाल की तरफ, आमना के सवाल की तरफ, कि नफ्सियाती मसाइल का शिकार ज़्यादा लोग कौन से होते हैं। सर सबसे पहले मैं बच्चों से शुरू करूँगा। वो बच्चे जिनके साथ बचपन में कोई किसी तरह का अब्यूज़ हुआ होता है, वो जिस्मानी हो सकता है, वो मेंटली हो सकता है, वो फिजिकली किसी तरह का भी अब्यूज़ हो सकता है, वो सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकता है। खासतौर पर बच्चे जो बचपन में जो सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होते हैं ना सर,
उनमें बड़ी ही चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बड़े हो, जब बड़े होंगे तो उनमें नफसियाती मसाइल ज़्यादा जन्म लेंगे। उसके बाद वो लोग या वो बच्चे जो तन्हाई का शिकार होते हैं, घर में हैं लेकिन वो घर में अकेले हैं, पूरे भरे हुए घर में हैं लेकिन भरे हुए घर में होने के बावजूद वो अकेले हैं, उनमें नफसियाती जो मसाइल ज़्यादा होते हैं। उसके बाद उन लोगों में नफसियाती मसाइल के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है नफसियाती मसाइल की। अगर मिसाल के तौर पर अगर किसी की फैमिली में डिप्रेशन है, किसी को पहले था किसी में जी, तो वो उसके चांसेस होते हैं कि वो बच्चों में भी मुंतकिल हो जाए, बच्चों को भी वो डिप्रेशन हो जाए। इस तरह के जो लोग होते हैं उनमें नफसियाती मसाइल ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर किसी को सदमा लगा है सर, कोई मिसाल के तौर पर अचानक किसी की डेथ हो गई है, किसी प्यारे की, माँ बाप की या बहन भाई की, किसी दोस्त की, तो वो भी नफसियाती मसाइल की ना वजूहात में से एक वजह है। उसके बाद सर अगर आपके फिनेंशियल हालात ठीक नहीं हैं, तो अगर आप माशी लिहाज से ठीक नहीं है तो आपको नफसियाती मसाइल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद अगर आपकी जॉब चली गई है, आप बेरोज़गार हो गए हैं, तो उसकी वजह भी, वो भी एक वजह होती है नफसियाती मसाइल का होने में, मतलब कि ये भी एक रोल प्ले करता है कि बंदा नफसियाती मसाइल का शिकार हो जाए। उसके साथ साथ एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जिन बच्चों में या जिन लोगों में सर कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, उनकी सेल्फ इस्टीम लो होती है या वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, उनमें सर बहुत चांसेस होते हैं डिप्रेशन वगैरह के, एंगजाइटी वगैरह के, और सुसाइडल जो अटैम्प्ट होती हैं उनकी। क्योंकि सर जब वो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एतमाद नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में वो तनहा पड़ जाते हैं। जब तनहा पड़ जाते हैं तो वो फिर उदास रहना शुरू कर देते हैं, जब वो अकेला रहना शुरू करते हैं तो फिर बहुत यकीनन ये सारी परेशानियाँ उनकी। सर मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेकर जाना चाहूँगा, जो आपने मोबाइल के हवाले से बात की तो जहन में एक सवाल आ गया कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं हमारी सोसाइटी में कि बच्चा को मोबाइल नहीं दिया तो उस वो घर से भाग गया, मुझे मोबाइल ख़रीद कर दो। बाप कहता है बेटे तुम्हारी अभी उम्र नहीं है या मेरे पास अभी इतनी आमदनी नहीं है, बच्चे ने धमकी लगाई या घर से भाग गया। ऐसे बच्चे जो हैं बाकायदा ज़िद करके मोबाइल हासिल कर रहे हैं, उन पे ये जो आपने हल बताया है ये कैसे लागू होगा? सर वो आप हमें देखना पड़ेगा कि उनके पीछे, उनकी ज़िद के पीछे सर मामला क्या है, वो किस तरह की कंपनी में बैठ रहे हैं, वो किस तरह का माहौल उनको मिला हुआ है, किस तरह के दोस्त मिले हुए हैं। अगर वो ज़िद कर रहा है सर, उसके पीछे कोई लॉजिक होगी ना, कोई रीज़न होगी। अगर तो ऐसे वो दोस्तों में बैठता है जिनके पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे मोबाइल हैं और वो उसको उकसाते हैं कि हमें आपके पास भी मोबाइल होना चाहिए, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और अगर मेरे ख्याल में बच्चे को मोबाइल लेके दे भी दिया जाए तो इसमें बड़ी बात नहीं है। कोई आजकल का दौर है सर, हम इस टेक्नोलॉजी से बच्चे को सर नहीं बचा सकते, ये रियलिटी है। सबसे पहले तो इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इससे हम बच्चे को नहीं बचा सकते। घर से बचाएंगे तो वो बाहर इस चीज़ में वो लाजमी इस चीज़ को देख लेगा। तो ये कंपनी देखनी पड़ेगी उसकी किस तरह की है, और उस हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ेगा, उस हिसाब से उसको डील करना पड़ेगा।